नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप देख रहे हैं NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के मुजफ्फरपुर अब सवालों के घेरों में घिरता जा रहा है और मौजूदा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। अब जरा सोचिए, जहाँ अस्पताल चल रहा है वही मानव कंकाल मिला है। ये कैसा अस्पताल चल रहा है और किस जगह चल रहा है? इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा मकसद सरकार की लचर व्यवस्था को सबके सामने लाना है, क्योंकि हमारा मकसद अस्पताल में बिगड़ते हालात को सामने लाना है, क्योंकि हमारा मकसद है कि कहीं चमकी के चीख में उस माँ का दर्द सुशासन में दब न जाए। वही SKMCH के जांच दलों ने पुलिस के साथ मानव कंकाल वाली जगह का मुआयना किया। अस्पताल के पीछे मौजूद जंगल में एक या दो जले हुए शव मिले हैं, साथ ही 100 कंकालों के अवशेष भी जमीन पर पड़े हुए और बोरियों में भरे हुए मिले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच एक जांच टीम उस जगह पर पहुंच गई है जहां अस्पताल के बाह बोरे में नए कंकाल मिले थे। अय्यापुर के SHO सोना प्रसाद सिंह ने कहा कि जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि लवारिस शव यहाँ कैसे जलाए गए। साथ ही डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कंकाल के अवशेष यहां मिले हैं। मामले की विस्तृत जानकारी प्रिंसिपल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल के केयर टेकर जनक पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद लवारिस शव अस्पताल के पीछे स्थित जंगल में फेंके जाते हैं। मैंने कभी इन कंकालों के बारे में अथॉरिटी से पूछने की कोशिश नहीं की। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने कहा पोस्टमार्टम विभाग शवों की देखरेख करता है, अगर खुले में कंकाल और शव मिले हैं तो यह वाकई अमानवीय है, हम विभाग कक्ष से इस पर जांच बैठाने के लिए कहेंगे। नियमानुसार जब अस्पताल को कोई शव मिलता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन से तुरंत संपर्क करना होता है और इस संबंध में एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है। रिपोर्ट फाइल होने के बाद 72 घंटे के तुरंत शव को पोस्टमार्टम रूम में ही रखना होता है। लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस तरह का काम कैसे हो रहा था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके सुझाव और शिकायत का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।